7168800। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक किया तो मेरा पेजेस लोडिंग ले रहा है। एंड पेजेस लोडिंग लेने के बाद मेरे सामने एक नया पेज निकल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है। एंड आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आधार इज ऑलरेडी लिंक टू पैन, मतलब मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी पैन कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है। तो कैसे आप भी आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक स्टेटस चेकिंग करोगे, जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो मेरे सामने यहाँ पर होम स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, तो इस क्रोम ब्राउज़र के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा पैन पोर्टल। तो मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ पैन पोर्टल। लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाला वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है pen.upiitsl.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद देखो ये वाला वेबसाइट मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो मैं थ्री डॉट में एक बार क्लिक कर रहा हूँ। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर टिक कर दिया, उसके बाद मेरा पेज बिल्कुल डेस्कटॉप मोड में आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लेके जाऊँगा। एंड देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पैन आधार लिंक स्टेटस, क्लियर। तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे पैन कार्ड का नंबर डालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है। ये वाला कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है। तो आप सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेना, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप मोड में करके दिखाया। अगर आप डेस्कटॉप मोड में नहीं करोगे तो ये वाला कैप्चा कोड को एंटरिंग में यहाँ पर दिक्कत होगा, क्लियर। तो इतना कर लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा। तो पैन कार्ड नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके पैन कार्ड में ही मिलेगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर एक पैन कार्ड का सैंपल दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, ठीक है, और यहाँ पर नंबरिंग शो कर रहा है। तो इसी तरह से आपके कार्ड में भी शो करेगा। तो आप उस नंबर को अच्छे से देख लेना है और वहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंड डेट ऑफ बर्थ देखो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इसी तरह से इस साइड में आपको डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगा। तो आपके पैन कार्ड में से आपका पैन कार्ड का नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैं नॉर्मली एंटर कर रहा हूँ। देखो मैंने डेट ऑफ बर्थ एंड पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया। उसके बाद मैं ये वाला कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 6117 81। देखो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबमिट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा पेजेस लोडिंग ले रहा है। एंड पेजेस लोडिंग लेने के बाद देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ई आधार इज ऑलरेडी लिंक टू पैन, मतलब मेरा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप भी आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक स्टेटस बहुत ही आसानी से चेकिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कि आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक किया हुआ नहीं है, तो आप कैसे लिंक करोगे। तो लिंक करने के लिए इसी पेज में आपको एंट्री करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाला लिंक, क्लियर ना। तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद आपका पेजेस लोडिंग लेगा, ठीक है, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर लोडिंग लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिंक आधार। तो यहाँ पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से लिंक कर सकते हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना था कि कैसे आप आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक स्टेटस पता करोगे। अगर आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हो लेकिन आपका प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपके लिए एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है और आपको मदद मिली है। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मदद मिले तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।